बेसिक क्लास 10-12 के जो स्टूडेंट्स हैं, इंप्रूवमेंट वाले कंपार्टमेंट, प्राइवेट पत्राचार सेकंड कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बहुत बड़ा अपडेट है गाइस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल करके आई है और साथ ही साथ सीबीएसई की तरफ से भी। तो यानी कि इस वीडियो में आपके पास चांस ही नहीं है कि आप वीडियो को स्किप करें या थोड़ा सा पार करके देखें, तो वीडियो अंत तक देखना है। एंड यस, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक बात बता दूं कि हर सेशन की तरह इस सेशन में भी हमने ये चीज किया है कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स लिए हर सब्जेक्ट का, हर स्ट्रीम का नोट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तो बस फ्री है, आपको एक रुपया भी नहीं देना है, बस लेते जाना है। आपको हर वीडियोस आपको मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या चैनल के अंदर में। तो गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि अपडेट लेटेस्ट क्या निकल करके आया है। देखिए, अभी का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा अभी स्टूडेंट्स के बीच में क्या था, क्लास 10-12 स्पेशली क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मुद्दा यह था, जो भी जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार सेकंड कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, ये सब वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये था कि रिजल्ट जो है आप लोगों का आ रहा है 30th September को, ठीक है। तो दिक्कत ये था कि मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हायर जो एडमिशन आपको लेने थे वो सीट्स जो है वो फुल होते जा रहे थे या कहीं फुल ना हो जाए, इस बात का खतरा था। तो कल सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग पड़ा हुआ था, दो हियरिंग था, एक तो नीट का और एक सीबीएसई वालों का। सीबीएसई वालों का तो थोड़ा कुछ सुनवाई हुआ, हालांकि नीट वाले बच्चों के लिए मुझे बहुत अफसोस है, नीट एग्जाम को रीशेड्यूल नहीं करने का फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साफ साफ कहा है कि 16 लाख बच्चे जो इसमें हैं, जो नीट यूजी का एग्जाम देंगे, उनके साथ में खिलवाड़ हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई वाले बच्चों को एक बहुत बड़ा राहत दिया है। राहत यह है कि आप सभी क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स जो हैं कैन अप्लाई फॉर हायर एडमिशंस। आप हायर एडमिशंस के लिए आप चाहे यूजीसी के अंदर से, अंडर द यूजीसी एंड एआईसीटी के अंदर से, मतलब किसी में भी हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्रोविजनली जिस पे बहस चल रही थी कि कम से कम प्रोविजन एडमिशन दे दिया जाए, ठीक है। मतलब आपको अभी रिजल्ट नहीं निकलने के बावजूद भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इवन बिफोर द रिजल्ट, ठीक है। और जब रिजल्ट आ जाएगा 30th September को, उसके बाद में आप शो कर सकते हैं। ये आपको बहुत बड़ा मौका मिला। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्लास 12 वाले जो स्टूडेंट नीट यूजी में बैठ रहे हैं वो भी बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब कॉपी चेकिंग वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे, ठीक है। तो कॉपी चेकिंग जो है वो शुरू हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉपी चेकिंग पेपर, जो पेपर, जितने भी पेपर्स आप लोग लिख चुके हो अभी तक, वो पेपर्स जो हैं वो कॉपी चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सीबीएसई ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एट एनी कॉस्ट वो 30th September तक रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक। तो गाइस, आपका नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है एंड आई होप कि आपने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी इस नए एकेडमिक ईयर। और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अन अकेडमी लाया है खास सब्सक्रिप्शन पे मेगा ऑफर, यानी कि अब सीबीएसई एमएच यूपी बोर्ड के 12, 15 या 18 महीने के सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 4 months फ्री, साथ ही 24, 36 या 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा एक्स्ट्रा 6 months फ्री, और सीबीएसई के 60, 72, 84 months के सब्सक्रिप्शन को लेने पर एक्स्ट्रा 8 months आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। लेकिन ये ऑफर 13 September तक के लिए ही वैलिड है, तो जल्दी कीजिए। तो गाइज, यहां आपको ध्यान बस ये रखना है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि पर्सनल मेंटरशिप, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट। तो बच्चों, ये ऑफर काफी लिमिटेड समय के लिए है। ये ऑफर आपको अपने पूरे एकेडमिक ईयर को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करें और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन को परचेज करने में। तो मतलब वो तो शुरू हो चुका, अब यहां पर क्या मुद्दा है कि आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं या कॉपी कैसे चेक हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, लेकिन मैं बोलूंगा एकदम नहीं डरो। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने ऑर्डर एक तरह से पास कर दिया है, कंफर्म न्यूज है ये, कि आपको दिए जाएंगे मतलब अच्छे मार्क्स और किसी भी हालत में किसी को फेल नहीं किया जाए। देखो, अभी यहां पे एक और मुद्दा है, आपको याद होगा 34 स्टूडेंट्स जो हिसार रोहतक से थे, उन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला हुआ था कि भाई जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम जो कर रही है क्लास 12 वाले बच्चों पर वो गलत कर रही है। 30-30-40 के रेशियो में मार्क्स देना था, 30 10th class से, 30% 11th class से और 40% 12th से। तो 11th का मार्क्स सही से अपलोड नहीं हुआ,
ठीक है, सही से चढ़ा नहीं है। अब सीबीएसई खुद घिरी हुई है और वैसे भी अभी सीबीएसई किसी भी हालत में कोई चांस नहीं लेना चाहती। इट मींस कॉपी आप लोगों का अच्छा आएगा। और जहां तक क्वेश्चन पेपर हार्ड और इजी का मामला है, बहुत बच्चे मैथ साइंस में फंसे हुए हैं। देखो मैथ्स में डर हावी होता है, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, डर बहुत ज्यादा होता है हमारा और इसी वजह से हम नर्वस बहुत ज्यादा होते हैं और इसी वजह से गलतियां करके आते हैं, क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। तो मेरा आप सबको सुझाव है, देखो सीबीएसई अपने साइड से सपोर्ट इस मामले में कर रही है, ये कंफर्म है। मेरा बात भी हुआ है कुछ ऑफिशियल से, उनका कहना था कि हम भी नहीं चाहते हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चों को सेकंड कंपार्टमेंट के लिए या री एग्जाम के लिए फिर कभी जाना पड़े, ऐसा कोई हम भी नहीं चाहते हैं। लेकिन बच्चे लिख कर तो आएँ और ये बात जेन्युइन है, इसलिए मैं लगातार आप लोगों से कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जब भी आप जिस भी पेपर के लिए आप जा रहे हो, यही आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आओ। सबसे पहले इजी वन को चेक कीजिए, मतलब बनाइए, उसके बाद में जो थोड़ा सा हार्ड है उसको बना लीजिए और लास्ट में उन क्वेश्चंस को टच कीजिए जो कि आपको आंसर नहीं आता। अब आंसर नहीं आता तो आप बोलोगे सर ये तो छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपने पढ़ाई की है तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी आप लिख सकते हो, मेरा ये कहना है वो लिख कर आ जाओ, ठीक है। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं हो तो घुमा के कुछ भी आंसर दे सकते हो, एटलीस्ट टीचर को ये तो लगे कि स्टूडेंट ने अपने साइड से कोशिश की है, ठीक है। और एक अच्छी न्यूज ये है कि कॉपीज जो है वो नियर बाई सेंटर्स में ही भेजा गया है, इस बार दूर दूर नहीं भेजा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि आपके बेनिफिट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट निकल करके आया है और साथ ही साथ में यहां से भी, यानी कि सीबीएसई की तरफ से भी। तो अभी अब आप लोग एकदम फ्री होके जाओ, मैं ये कह रहा हूं, एडमिशन लेना चाहते हो क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट उसमें जा सकते हो, टेंथ वालों का टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि भाई आप लोग जिस चीज़ के लिए भी बैठे हो कंपार्टमेंट के लिए या जिस चीज़ के लिए भी, आपको मतलब कॉपी अच्छा चेक हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। सो गो फॉर दैट, उम्मीद है कि इस न्यूज़ ने आपका मन थोड़ा हल्का किया होगा, अगर हल्का किया है तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सबको भेज दो ताकि सब लोग रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए हम फ्री नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सो प्लीज़ गो फॉर दैट। और जितना ज़्यादा आप साथ दे सको साथ ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे व्लॉगिंग चैनल फ्लाइंग स्काई, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बन रही मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, जय हिंद जय भारत।